नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाइव आकर के बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और आगामी जो न्यू वैकेंसी आने वाले हैं इनके बारे में घोषणा किए हैं। तो दोस्तों आप लोग के पता ही है कि 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव आने से पहले आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपना पूरा पावर लगाना चाहता है आगामी सत्ता में बने रहने के लिए। दोस्तों अब बिहार में वैकेंसी बहुत ही बड़ी आने वाली है, आप लोग तैयारी में जुट जाएं और ये भाषण को सुने, आपको पता चल जाएगा कि आगामी कुछ दिनों में कितनी बड़ी वैकेंसी बिहार में आने जा रहा है। कितना कम पड़ते और सब के लिए जो उत्थान किया, आज आप देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गई। और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहाँ का 4.3। अब बोलिए ये जितना आदमी जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा कम इलाके में ही इतना ज्यादा, तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2, तो हमने बिहार में भी कराया तो पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसका उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7 और बिहार का निकल गया 1.6। कितनी खुशी हुई आज जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया उनके उत्थान अब पढ़ने के लिए, अब मालूम है ना पहुंच गए 2.9 पर, अब जल्दी से जल्दी 2 हम लोग पहुंचा देंगे। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं तो उसके बारे में पहले तो सब जानता था, पोशाक दिया, सड़क के कहीं उसको उसको हम लोगों ने जो दिया, साइकिल दिया, तब इसके बाद बोलिए विदेश से कितने लोग आए देखने के लिए, कितना खुश हुए थे। लेकिन आजकल जितना पुराना काम किया हुआ है उसको कहीं रखा जाता है, तो याद रखिए। तो इसीलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान के लिए जो किया और उसको देखिए कितना ज्यादा सबकी सुरक्षा के लिए था, समाज के हर तबके को आगे बढ़ा, उसके चलते जितना हम लोग सब कर रहे हैं गरीब गुरबा तबकों का उत्थान, आज कितना ज्यादा महिला के लिए, तो एक ही बात की है जी, स्वयं सहायता समूह था इतना कम हम लोगों ने उसको बढ़ाने का किया, नाम दे दिया जीविका। अब बोलिए अब जीविका दीदियों की संख्या कितनी बढ़ गई, हमने कहा 10 लाख जीविका दीदियों की संख्या खूब बढ़े, अब हो गई जीविका दीदी की संख्या 1.30 करोड़ से ज्यादा। अब सब काम कर रही है, हम सबसे मिलते हैं और सब गरीब तबके के लिए। लेकिन आप जानते हैं, अरे बैठा ना भाई तू काला बीच में बोल रहे, बतवा समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है, शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाओ, अब हमने तय कर दिया हम सब लोगों ने मिलकर के, 7 पार्टी एक साथ है, मिलकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है, इसी साल सब करने वाले, आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खुद पढ़ाइए, और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं, पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहां
बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई, नाम जीविका आप किए हैं और उन्होंने पूरे देश का कर दिया। आज